विधायक गुरप्रीत गोगी ने शनिवार को लुधियाना के एक निजी स्कूल विच छापा मारिया। विधायक गोगी को शिकायत मिली सी कि स्कूल के डस्टबिन च वड्डे पद्धर ते सरकारी दवाइया सुट्टियां हुई ने। पंजाब सरकार वल्लों बच्चों के शरीरक विकास लई इह दवाइया मुहैया करवाईया जांदियां ने, पर स्कूल ने दवाइया डस्टबिन विच सुट के बच्चों की सेहत प्रति बहुत लापरवाही दिखाई है। विधायक गोगी ने कहा कि सरकार वालों बच्चों के भविख के शरीरक विकास के मकसद नाल स्कूलों में दवाइया भेजिया जाती ने, पर दवाइया इस तरह डस्टबिन विच सुटना बहुत ही लापरवाही है। स्कूल प्रशासन बच्चों की सेहत नाल खिलवाड़ कर रहा, जिसनों कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार वालों सेहत सहूलतों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर स्कूल प्रबंधक इस तरह सरकार दे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, जिसनों बर्दाश्त नहीं किया जाए। विधायक गुरप्रीत गोगी ने तुरंत जिला सिक्ख्या अफसर DEO नाल संपर्क करके उन्होंने मामले की जानकारी दी। गोगी ने कहा है कि वह स्कूल खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि स्कूल की इन्नी वड्डी अणगहली है, जिस कारण स्कूल की मानता रद्द की जाए। गोगी ने कहा है कि स्कूल प्रशासन हज़ारा गोलियां के डब्बे बर्बाद कर रहा है। स्कूल का स्टाफ पढ़िया लिखा है, पर वह यह भी नहीं समझते कि दवाइया डस्टबिन सुट्टन की बजाय सिविल सर्जन नू दे देंदे। गोगी ने कहा है कि मैनेजमेंट नू मौजूदा प्रिंसीपल सुनीता देवगन खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है। यह मामला संबंधित अधिकारी सिक्ख्या मंत्री के ध्यान जरूर लियाउणगे।